नमस्ते इंडिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रंजीत आज आप लोगों के लिए सनातन धर्म में चले आ रहे 16 संस्कारों के विषय को लेकर आया हूं। 16 संस्कार, ये 16 संस्कार कौन कौन से हैं, इनको जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि 16 संस्कार क्या है, सनातन धर्म में इनको क्यों रखा गया, या हमारे साधु संत मुनि ऋषियों ने इसके बारे में क्यों बताया। तो सनातन धर्म या हिंदू धर्म, ये अपने कल्चर, अपने एथिक्स, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, अपने नियमों के कारण ही सर्वश्रेष्ठ धर्मों में से है, क्योंकि ये इसका बेस है। सिर्फ भगवान को अंधों की तरह मानना, ये धर्म में कभी नहीं बताया गया। इस धर्म में हर भगवान के गुण को बताया गया है, क्यों मानना है, क्या लाभ है, साइंटिफिक रीजन, हर एक चीज बताया गया, हर एक चीज का डिटेल में, विस्तार में बताया गया है। और मैं रंजीत आपको इस चैनल के माध्यम से सनातन धर्म के हर एक रहस्य, हर एक टॉपिक बताता रहूं। मैं कोई साधु संत नहीं, मैं एक विद्यार्थी हूं जो सनातन धर्म को पढ़ रहा हूं और इसके हर एक टॉपिक को देख रहा हूं, समझ रहा हूं और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी ये पता पड़े। सनातन धर्म अपने कल्चर के लिए जाना जाता है और यही इनका बेस है। और जिस धर्म का बेस स्ट्रांग हो, वह धर्म करुणा से भरा होता है, पवित्र होता है, शांत होता है। और इसीलिए आज पूरे विश्व में सनातन धर्म सबसे महान धर्मों में से एक है। मैं तो बाकियों को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानता, ना ही मैं यहाँ पे विश्लेषण दे रहा हूँ, परंतु मैंने जितना पढ़ा सनातन धर्म के बारे में, उसमें मैंने ये जाना कि सनातन धर्म पूरी तरीके से सिर्फ एक धार्मिक रिलीजन नहीं, यह नॉलेज, साइंस का एक खदान है, एक माइन है, जहां पे आपको अलग अलग ऐसे ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिन पे आप रिसर्च कर सकते हैं, जिनको ढूंढ के आप महान बन सकते हैं। तो यह सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, ये ज्ञान देने वाली किताब भी है। दिस बुक इज ऑल्सो फॉर नॉलेज। आप सिर्फ इसको धार्मिक किताब के हिसाब से अगर नहीं देखना चाहते, तो आप इसको नॉलेज के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। इसमें हर एक चीज है, वेद, उपवेद, उपनिषद, इनके बारे में आज कौन नहीं जानता, क्योंकि ये नॉलेजों का भंडार है। तो सनातन धर्म सिर्फ आपको धार्मिक कार्य के बारे में नहीं बताता, सिर्फ अंधविश्वास की तरफ नहीं लेके जाता कि मानना है, अगर तू ये नहीं मानता तो तू सनातनी नहीं। नहीं, हमें पवित्र रहना सिखाता है, हमें रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाता है, हमें जीवन को कैसे चलाना है, हमारा पथ कैसे होना चाहिए, हमें किस पथ पे चलना है, एक मार्गदर्शक का कार्य भी करता है। और ये हमारे प्राचीन मुनि ऋषि संत महात्मा, इन लोगों ने लिख के गए और उन्हीं ग्रंथों को हम लोग आज पढ़ते हैं, और उन्हीं को पढ़ के ही मैं आपके सामने भी आया हूँ। तो इन ग्रंथों में 16 संस्कारों के बारे में लिखा है, यानी कि 16 ऐसे नियम जो हमारे जन्म लेने से पूर्व और मृत्यु तक जीवन के हर खंड को, हर खंड का विवरण देता है कि किस खंड में क्या करना चाहिए जिससे हमारा जीवन सुखमय। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको चतुर्थ आश्रम के बारे में बताया कि चार आश्रम कौन से हैं,
वह भी जीवन का एक खंड के रूप में बांटा गया था कि जीवन को चार भाग में बांटा गया, बालक की अवस्था, फिर यंग एज की अवस्था, वर्किंग एरिया, फिर आपका रिटायर्ड लाइफ, फिर संन्यास जीवन, हर एक लाइफ के हर एक पार्ट को बताया गया। वैसे ही ये 16 संस्कार है, 16 नियम है जो संसार को बताया गया कि इस पद्धति से अगर हम चलते हैं तो जीवन में सिर्फ सुख ही सुख, इसमें कैसे एक नव निर्माण करना चाहिए प्रकृति का, यानी यहाँ पे प्रकृति में एक बालक या एक बच्चे को समर्पित कर रहा हूँ कि एक प्रकृति की नव निर्माण कैसे करना चाहिए और कैसे उस नव निर्माण का अंत होता है, यानी बर्थ टू डेथ, जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या क्या कर्म है, क्या क्या संस्कार है, इस चीज का डिटेल 16 संस्कारों में। टोटल 16 संस्कार हैं, जिसमें से पहला गर्भधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सिमंत्रोनयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्कर्म संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, विद्याराम संस्कार, कर्णवेद संस्कार, यज्ञोपवित संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंतोष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार। इनमें से सबसे पहले जो है वह है गर्भधान संस्कार। गर्भधान संस्कार के माध्यम से सनातन धर्म संदेश देता है कि स्त्री और पुरुष संबंध पशुवत ना होकर केवल वंश वृद्धि के लिए होना चाहिए। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, मन प्रसन्न होने पर गर्भ धारण करने से संतान स्वस्थ और बुद्धिमान होता है। दूसरा है पुंसवन संस्कार। इसमें गर्भ धारण करने के 3 माह बाद गर्भ में जीव के संरक्षण और विकास के लिए यह आवश्यक है कि स्त्री अपने भोजन और जीवन शैली को नियम अनुसार करे। इस संस्कार का उद्देश्य स्वास्थ्य और उत्तम संतान की प्राप्ति है। यह तभी संभव है जब गर्भधारण विशेष तिथि और ग्रह के आधार पर किया जाए। तीसरा है सिमंत्रोनयन संस्कार। इस संस्कार को गर्भधारण करने के 6 या 8 महीने से किया जाता है। इस मास में गर्भपात होने का सबसे अधिक संभावना होती है या इन्हीं महीनों में प्री मैच्योर डिलीवरी होने की सर्वाधिक संभावना भी होती है। गर्भवती स्त्री के स्वभाव में परिवर्तन लाने, स्त्री के उठने बैठने, चलने सोने आदि की विधि इसी में आती है। मेडिकल साइंस भी इन्हीं महीने में स्त्रियों को विशेष सावधानी रखने की सलाह देता है। भ्रूण के विकास और स्वास्थ्य बालक के लिए यह आवश्यक है। गर्भस्थ शिशु और माता का रक्षा करना इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। स्त्री का मन प्रसन्न करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। जातकर्म संस्कार, यह बालक के जन्म के बाद किया जाता है। इसमें बालक को शहद और घी चटाया जाता है। इससे बालक की बुद्धि का विकास तीव्र होता है। इसके बाद से माता बालक को स्तनपान कराना शुरू करती है। इस संस्कार की वैज्ञानिकता है कि बालक के लिए माता का दूध ही श्रेष्ठ भोजन है। उसके बाद आता है नामकरण संस्कार। इस संस्कार का बहुत अधिक महत्व है। जन्म नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए शुभ नक्षत्र में बालक का नाम दिया जाता है। नाम वर्ण की शुभता का प्रभाव बालक पर संपूर्ण जीवन रहता है। यह बालक के व्यक्तित्व का विकास करता है। यह एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है। इसके बाद आता है निष्कर्म संस्कार। इस संस्कार में बालक को सूर्य चंद्र की ज्योति के दर्शन कराए जाते हैं। जन्म के 4th मास में यह संस्कार किया जाता है। इस दिन से बालक को बाहरी वातावरण
के संपर्क में लाया जाता है। शिशु को आसपास के वातावरण से अवगत कराया जाता है। अब आता है अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार के बाद से बालक को माता के दूध के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थ देना शुरू किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान भी यही कहता है कि एक सीमा के बाद बालक का पोषण केवल दूध से नहीं हो सकता, उसे अन्य पदार्थों की भी जरूरत होती है। इस संस्कार का उद्देश्य खाद्य पदार्थ से बालक का शरीर और मानसिक विकास करना है, यही इसकी वैज्ञानिकता है। फिर आता है चूड़ा कर्म संस्कार। इसे मुंडन संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए शिशु के जन्म के बाद से पहले तीसरे और पांचवें वर्ष का चयन किया जाता है। शारीरिक स्वच्छता और बौद्धिक विकास इस संस्कार का उद्देश्य है। माता के गर्भ में रहने के समय और जन्म के बाद दूषित कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। स्वच्छता से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है, यह विज्ञान भी मानता है। अब आता है विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ का अभिप्राय बालक को शिक्षा से प्रारंभिक स्तर से परिचय कराना, यानी कि स्टार्टिंग फेज ऑफ एजुकेशन। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो बालक को वेद ध्यान के लिए भेजने से पहले घर में अक्षर ज्ञान का बोध कराया जाता था। यानी कि आज भी हम जब स्कूल में जाते हैं उससे पहले हमें अपने घर में ही अल्फाबेटिकल नॉलेज दिया जाता है, अक्षर ज्ञान दिया जाता है। माता पिता तथा गुरुजन यानी कि हमारे दादा दादी या नाना नानी पहले मौखिक रूप से कोई पोयम या पौराणिक कथाओं आदि के अभ्यास करा दिया करते हैं, ताकि हमें स्कूल में कठिनाई ना हो। हमारा शास्त्र विद्या अनुरागी है। यही सनातन धर्म की खूबी है कि यह एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, क्योंकि यह मानता है कि विद्या अथवा ज्ञान ही मनुष्य की आत्मिक उन्नति का साधन है और शिक्षा विज्ञान की ओर पहला कदम है, यही यह संस्कार बताता है। अब आता है कर्णवेध संस्कार। कर्णवेध संस्कार का अर्थ होता है कान को छेदना। इसके पांच कारण हैं। पहला है आभूषण पहनने के लिए, दूसरा कान छेदने से ज्योतिष अनुसार राहु और केतु के बुरे प्रभाव बंद हो जाते हैं, इसका तीसरा कारण एक्यूप्रेशर से रिलेटेड है। कान छेदने से मस्तिष्क तक जाने वाली नसों में रक्त का प्रभाव ठीक होने लगता है। चौथा कारण, इससे श्रवण शक्ति बढ़ती है और कई रोगों की रोकथाम हो जाती है। पांचवा कारण, इससे यौन इंद्रियां पुष्ट होती हैं। अब आता है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत को उपनय या फिर जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। प्रत्येक हिंदू को यह संस्कार करना चाहिए। उपनय यानी कि उप यानी पास और नयन यानी ले जाना, गुरु के पास ले जाने का अर्थ है उपनयन संस्कार। यह आज भी होता है, आज भी यह परंपरा है। और जनेऊ यानी यज्ञोपवीत, इसमें तीन सूत होते हैं। यह तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक हैं। इस संस्कार से शिशु को बल, ऊर्जा और तेज प्राप्त होता है, साथ ही उसमें आध्यात्मिक भाव जागृत होता है। अब अगला संस्कार है वेदारंभ संस्कार। इस संस्कार के द्वारा यह यत्न किया गया है कि इस धर्म के हर व्यक्ति को अपने धर्म का वैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए। यह जीवन के चतुर्मुखी विकास के लिए बहुत उपयोगी है। अब आता है केशंत संस्कार।
इस संस्कार का उद्देश्य बालक को शिक्षा क्षेत्र से निकालकर सामाजिक क्षेत्र से जोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का प्रथम चरण है ये। बालक का आत्मविश्वास बढ़ाने, समाज और कर्म क्षेत्र की परेशानियों से अवगत कराने का कार्य है यह संस्कार। समावर्तन संस्कार गुरुकुल से, इसके बाद आता है समावर्तन संस्कार। यह गुरुकुल से विदाई के पूर्व यह संस्कार किया जाता है। आज गुरुकुल परंपरा समाप्त हो गई है, इसलिए यह संस्कार अब नहीं किया जाता। इस उपाधि से वह सर्वज्ञ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता है। फिर आता है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार अपने बाद अपनी पीढ़ी का अंश इस दुनिया को दिए जाने का मार्ग है। परिपक्व आयु में विवाह संस्कार प्राचीन काल से मान्य रहा है। सामाजिक बंधनों में बांधने और अपने कर्म से ना भागने देने के लिए बच्चों को विवाह संस्कार करके एक अदृश्य डोर में बांध दिया जाता है। अब लास्ट जो संस्कार है उसे अंतुष्टि संस्कार कहते हैं। इसे कई जगह पे सोताधाम या फिर श्राद्ध संस्कार भी कहा जाता है। जब मनुष्य का शरीर इस संसार के कर्म करने योग्य नहीं रहता, मन में उमंग भी समाप्त हो जाती है, तब इस शरीर का जीव उड़ जाता है। पंच तत्व से बने इस नाश्वर शरीर के देह संस्कार का विधान है, जिससे शरीर के वायरस और बैक्टीरिया समाप्त हो जाए। क्योंकि जैसे ही शरीर का जीव निकल जाता है, शरीर पर वायरस और बैक्टीरिया का जबरदस्त हमला होता है। इस प्रकार यह भी एक वैज्ञानिक संस्कार है। तो यह थे आपके 16 संस्कार। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।